जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और इंग्लैंड के बीच में आज दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, उसी रोमांचक मुकाबले के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेजबान भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में इंग्लैंड की टीम के कप्तान जोस बटलर रहे, जिन्होंने आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने KL राहुल के शतक और कप्तान कोहली और ऋषभ पंत की अर्धशतकीय पारी के दम पर 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 336 रन बनाए थे और इंग्लैंड की टीम को जीतने के लिए 337 रनों का लक्ष्य दिया था। तो वहीं दोस्तों, हम आपको बताएं, भारत के लिए आज रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पारी की शुरुआत की, लेकिन महज 9 रन के कुल स्कोर पर ही भारत को पहला बड़ा झटका लग गया, जहां पर शिखर धवन 17 गेंदों में 4 रन बनाकर टॉपले की गेंद पर बेन स्टॉक्स के हाथों कैच आउट हुए। तो वहीं रोहित शर्मा 25 रन बनाकर सैम किरन की गेंद पर आउट हो गए। तो वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आज 62 गेंदों में 3 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया और विराट कोहली 66 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर आउट हुए। तो वहीं दोस्तों, भारतीय टीम का चौथा विकेट KL राहुल के रूप में गिरा, जो कि आज के इस मुकाबले में 114 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 108 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। तो वहीं टॉम क्यूरन की गेंद पर टॉपले ने आज उनको बाउंड्री पर कैच किया। तो वहीं ऋषभ पंत 77 रन बनाकर जबकि हार्दिक पांड्या 35 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं कृणाल पांड्या आज के इस मुकाबले में 12 रन बनाकर नाबाद रहे। और ऐसे में दोस्तों, इन्हीं बल्लेबाजों के इसी प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड की टीम के सामने 337 रनों का लक्ष्य था। लेकिन दोस्तों, 337 रनों का लक्ष्य क्या ही इंग्लैंड की टीम के लिए, क्योंकि आज जब जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो जब मैदान पर ओपनिंग करने के लिए आए थे, तो जेसन रॉय ने आज 52 गेंदों में 55 रनों की तूफानी पारी खेली और अपनी इस तूफानी पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का लगाया था। हालांकि रोहित शर्मा की वजह से वो रनआउट तो हो गए थे, लेकिन दोस्तों, यहां पर जब बेन स्टॉक्स मैदान पर आए तो किसी ही उम्मीद थी कि आज बेन स्टॉक्स और जॉनी बेस्टो ऐसा प्रदर्शन कर दिखाएंगे कि ये भारतीय टीम की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। जी हां दोस्तों, आज जॉनी बेस्टो ने मात्र, आप यकीन नहीं करोगे, 96 गेंदों में ही अपना शतक ठोका और अपने शतक के दौरान उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के जड़े थे। तो ही दूसरे छोर पर खड़े बेन स्टॉक्स का तो तूफान आज इस लय में दिखा कि उन्होंने मात्र 52 गेंदों में ही के दौरान उन्होंने 4 चौके और 10 बड़े छक्के जड़े थे। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर आज इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम के स्कोर को काफी हद तक पास में पहुंचाया टारगेट के। तो वहीं एक समय जब शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि आज भारतीय टीम की ये जीत पक्की है, तो वहीं दूसरी तरफ बेन स्टॉक्स और जॉनी बेस्टो ने मैदान पर आते से ही कुलदीप यादव और कृणाल पांड्या की गेंदों पर इतने छक्के और चौके ताबड़तोड़ बरसाए कि मानो इन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया अपना विकेट चटकाने का इन गेंदबाजों को। तो वहीं आज के इस मुकाबले में बेन स्टॉक्स 99 रन के स्कोर पर आउट हुए। तो वहीं जॉनी बेस्टो ने 112 गेंदों में 124 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 7 छक्के लगाए थे। तो वहीं दोस्तों, फिर दूसरी तरफ जब बल्लेबाजी के लिए जोस बटलर आए, तो वो 0 रन के स्कोर पर ही आउट हो गए, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए, उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट मिला और सबसे ज्यादा महंगे जो खिलाड़ी साबित हुए वो हुए कुलदीप यादव, जिनकी गेंदबाजी आज इतनी खराब रही कि जिसकी बलबूते पर इंग्लैंड की टीम को यहां पर शानदार जीत मिल गई। लेकिन दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम की हार का गुनहगार कौन है और भारतीय टीम किसकी वजह से हारी है। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।